Hazari Bar.
के यहाँ क्या करेंगे? सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज हम लोगों ने रामनवमी का जो जुलूस है उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है हजारी बार में प्रख्या में, इसे सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण कराना हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, प्रशासन के लिए खास तौर, लेकिन सभी के सहयोग से जितने भी हमारे लोग हैं, दिल्लीवासी हैं, सभी समितियाँ हैं, मीडिया के लोग हैं, सभी के सहयोग से हमारे अधिकारी हैं, फोर्स हैं, उन्होंने इसे आज अच्छे से कराया, तो बहुत खुशी है इस बात की, और आशा है कि ये रामनवमी का पर्व हम सबके लिए खुशी है। सर आपके बिना मुश्किल सा लगता है, सर जो जवान थे वो वानर सेना बन के बहुत हद तक आगे निकाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से पूरे हजारीबाग वासियों को सफल रामनवमी के संचालन के लिए धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। और आपने जो कहा कि हमारे जो जवान थे वो भगवान हनुमान के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने कई जुलूसों को आगे बढ़ाने में मदद की, केवल जवानों की बात नहीं है, हमारे पदाधिकारी हो, हमारे सिविल दस्ते के इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हो, चाहे आरएएफ के लोग हो, एटीएस के लोग हो, सभी लोगों का इस सफल संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और केवल सुरक्षा की बात नहीं है, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सभी के साथ एक अच्छा समन्वय बैठा करके, जो समन्वय और आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग का परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है, उनको आपको कैसे चैनलाइज करना है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्लानिंग के बाद ही आप परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लाइन एजेंसीज है, जिसे महोदय ने जैसे आपको बताया, हर एक विभाग का इसमें अपना अपना योगदान है और मैं हर विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारे प्रेस मीडिया के जितने बंधु हैं उन्होंने हमारे अच्छे कामों को हमेशा तवज्जो दी है, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग वैसे ही आगे भी जारी रखेंगे। और रामनवमी समिति के जो अध्यक्ष हैं कुणाल यादव जी, उनकी पूरी कमेटी, साथ ही अन्य जितने रामनवमी से जुड़े हुए संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनका एक अहम योगदान इस रामनवमी के संचालन में, सफल संचालन में रहा है, और आने वाले दिनों में भी जितने भी त्यौहार हजारीबाग में होंगे हम लोग सफल और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। और इसके लिए न सिर्फ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, परंतु जितने राम भक्त इस रामनवमी जुलूस में शामिल हुए उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा बंदोबस्त होता है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है, करीब 4000 लोग पुलिस के तरफ से केवल काम कर रहे थे, जिला प्रशासन से अलग 1000 लोग काम कर रहे थे, 7500 मैजिस्ट्रेट थे और अलग 250 लोग प्रशासनिक व्यवस्था से लगे हुए थे। तो इतने सारे लोगों को ड्यूटी बांटना, ड्यूटी मॉनिटर करना, प्लस आप लोगों के साथ समन्वय बैठाना, हमारा रामनवमी महासमिति का जो योगदान रहा है उसे हम लोग नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हम लोगों को जो चीजें हम लोगों ने उनको गाइड की, उन्होंने उसी तरीके से फॉलो किया है। साथ ही मैडम का भी रहा है, मैडम का रेजियस आपका सिविल साहब सबका रहा है, सबका जितने हमारे थाना प्रभारी है उनका भी द्वितीय वर्ष था। थैंक यू। तो मैं बोलना चाह रहा था महासमिति के साथ साथ कई सारे संगठन जो रामनवमी से जुड़े हुए हैं, सरकारी रूप से जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें एकता मंच हमारा जो आज लाल टी शर्ट में 2 दिन से हमारे खट रहे हैं, तो सद्भावना मंच के सभी पदाधिकारी, संरक्षण समिति के सभी पदाधिकारी एवं जितने भी लोगों ने हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रामनवमी सफल मनाने में सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रेंड हम लोगों ने सेट किया है पिछले 2 वर्षों में, रामनवमी सुचारू ढंग से बिना किसी कोई अप्रिय घटना के हम लोगों ने दोनों वर्ष अच्छे से संचालित किया है, आगे आने वाले वर्षों में भी हम लोग यही परंपरा को कायम रखेंगे।
पुनः एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं माननीय उपायुक्त महोदय को निवेदन करता हूँ कि आपको दर्शन दे। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे एसपी साहब ने बहुत बेहद रूप से बताया कि कितना कितनी मेहनत जाती है और आप सब हमारे साथ यहाँ जो उपस्थित हैं अलग अलग क्षेत्रों से हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे अन्य समिति गण हैं, महासमिति से लोग हैं, संरक्षण समिति से सद्भावना मंच, एकता मंच और अन्य जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनवमी हजारीबाग की प्रख्यात है, काफी अच्छे से समापन हुआ। इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने कमेटी के जितने मेंबर थे हमारे उन लोगों को देना चाहता हूं। दूसरा, यहां जो पूर्व महासमिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारी काफ़ी सहायता की है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तीसरा, जो जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी है उन्होंने एक गार्जियन की माफिक हमारा मार्गदर्शन किया, तो उनके मार्गदर्शन भी हमारे काफ़ी काम आए। चाहे जिले के एसपी साहब हो या डीसी महोदया हो, सबों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है और इन्हीं के मार्गदर्शन पर यह संभव हो पाया। साथ ही साथ जिले के प्रेस के मीडिया के लोग हो या फिर अध्यक्ष है, उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया है इस रामनवमी महोत्सव को संपन्न कराने को लेकर। मैं उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। खासकर हमारे जिले के पुलिस कप्तान ने हमारा बखूबी साथ निभाया, उन्होंने समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियों से हमें अवगत कराते हुए एक गार्जियन की तरह हमें मार्ग दिखाया है। तो मैं हजारीबाग जिले के पुलिस कप्तान को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रामनवमी महापर्व को संपन्न कराने